कोर्ट की गाड़ी है, कोर्ट में भाई हैं, कोर्ट में कोई गाड़ी नहीं मिलती, ये तमाम बातें हैं सिर्फ ये लोगों की बातें, कोई गाड़ी मिलती कोर्ट में, कौन सी गाड़ी मिलती कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं संडे कार मार्केट, और जितने लोग भी बोल रहे थे भाई 660 सीसी की जो है वो वीडियो बना दे, तो भाई अभी ये सेपरेट कर दिए मैंने आप लोगों ने वीडियो, तो देखिएगा जरूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो और पीछे के मॉडल भी, आगे के मॉडल, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर ज़्यादातर जो है अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ मिल रही होती हैं, बाकी कुछ बीच में जो है वो पीछे के मॉडल मिल भी जाते हैं। तो अभी देखें सबसे पहली गाड़ी जो है वो कौन सी है, 660 सीसी वाले जितने लोग थे भाई अभी ये गाड़ियाँ देख लो, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, अंकल की गाड़ियाँ मैंने आप लोगों को दिखा दी। उसके बाद अब आगे बढ़ चुके हैं हम लोग, तो अभी जो एक हम लोग के पास 2017 की जो है ये मौजूद है अपना हाईजेट, जो हमारे काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि यार 2017 आ तो रही है लेकिन मार्केट में नज़र नहीं आ रही। तो पहले तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को जो है वो अपना आफ्ताब भाई के पास जो है वो गाड़ियाँ दिखाई थी, सबसे पहली गाड़ी जो है आफ्ताब भाई के पास आई थी वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी। तो फिलहाल अभी ये तीन गाड़ियाँ हम लोगों के पास मौजूद हैं, दो जो है 2016 की अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, एक 2017 की अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, और तीनों गाड़ियाँ जो है वो बिल्कुल फ्रेश हैं, साफ सुथरी अच्छी कंडीशन में है। तो ओवरऑल पहले गाड़ियाँ हम लोग जो है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इंटरव्यू जो है वो हम लोग एक साथ ही करेंगे, जो गाड़ी के ऑनर होंगे उन्हीं से बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह अच्छे से जो है वो मालूम कर लेंगे। तो फिलहाल गाड़ी जो है ओवरऑल आप लोग देख लें, साइड है वाइड है, बैक साइड वगैरह हर चीज़ जो है गाड़ी की आप लोगों के लिए क्लियर मिल रही है, क्योंकि देखें जब फ्रेश गाड़ियाँ होती हैं ना तो आप लोगों को पता है नॉर्मली आप लोगों को वैसी नज़र आ रही होती हैं। सो गाड़ियों में कोई काम वगैरह नहीं है, बाकी कि जब डिटेल्स वगैरह मालूम करेंगे गाड़ी के ऑनर से तो वो और हमें अच्छे से गाइड कर देंगे भाई क्या हिसाब किताब है गाड़ी का, कौन कौन सी गाड़ी कितना कितना जो है वो चली हुई। तो फिलहाल हम तो 2017 वाली जो है वो गाड़ी देख रहे हैं, तो ओवरऑल गाड़ी जो है हम लोगों ने देख ली, चलते हैं चल के गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर गाड़ी का जो है वो किस तरीके से मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे एक हमारे सब्सक्राइबर मिले थे, वो बोले थे यार रेट आप शुरू में जो है वो पूछ लिया करें, थोड़ा सा मॉडल के साथ रेट बता दे करें, ताकि जो लेने वाले लोग हैं जिनकी समझ में आए वो जो है गाड़ी अच्छे से देख लें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार उस तरीके से करूँ, लेकिन अब तीन गाड़ियाँ हैं, तीनों को एक साथ जो है मुश्किल हो रहा है, तो इसका हम लोग एंड में ही पूछ लेंगे सारी चीज़ें। तो उसके गेट्स वगैरह देख लें, साइडें वगैरह आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल जाती हैं, बाकी हम लोग जैसे इंटर होते हैं अंदर वाली साइड पर, सो LCD पैनल वगैरह लगा हुआ है, डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का साफ़ सुथरा है, बाकी ऑक्शन शीट वगैरह भी जो है वो गाड़ी के ऊपर ही रखी हुई है, और सीट्स वगैरह आप लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरी मिल जाती है, नीचे रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को बैक साइड से गाड़ी जो है वो दिखा देता हूँ, सो बैक साइड से भी देख लें, बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिली है, नॉर्मल जो स्ट्रेट सीट आती है वही जो है गाड़ी के अंदर लगी हुई है। सो ये गाड़ी तो हम लोगों ने ओवरऑल देख ली है, बाकी इसके बाद चलते हैं एक नज़र जो है वो गाड़ी देखते हैं, दूसरी जो ब्लैक वाली 2016 खड़ी है। सो दूसरी गाड़ी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, 2016 का ये मॉडल है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है ये भी गाड़ी पूरी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती है, कोई स्क्रैचेस वगैरह कोई डेंट्स वगैरह नहीं है इसके ऊपर भी। सो ओवरऑल ये तीनों ही गाड़ियाँ जो है वो क्लियर हैं, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके आप लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ, ताकि अगर किसी को ब्लैक गाड़ी लेनी हो तो वो ये देख ले, किसी को 2017 चाहिए तो वो देख ले, बाकी ये ग्रे वाली है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो अभी अच्छे से दिखा दूंगा। तो देख लें इसकी भी साइड है वाइड है आप लोगों को जो है वो क्लियर नज़र आ रही होंगी, फ्रंट साइड से गाड़ी जो है हम लोग देख लेते हैं, फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से मौजूद है। तो फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड से भी गाड़ी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिली है, इसमें कोई डेंट वगैरह कोई स्क्रैचेस वगैरह कुछ इस तरीके से नहीं है, गाड़ी बिल्कुल जो है वो फ्रेश है। सो ओवरऑल तो गाड़ी हम लोगों ने तकरीबन ये देख ली है, साइड वाइड इसकी जो है वो देखनी है, चलते हैं चलते गाड़ी का जो है वो इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिल जाती है। सो इंटीरियर में सबसे पहले बात करें दरवाज़ों वगैरह की, तो दरवाजे वगैरह जो है वो आप लोग देख लें अच्छे से, साइड वगैरह पूरी जो है आप लोगों के सामने क्लियर आप लोगों को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बात करें डोर पैनल्स वगैरह गाड़ी के क्लियर हैं। अंदर आ जाते हैं हम लोग, अंदर से डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह जो है वो गाड़ी का आप लोगों को क्लियर मिल जाता है, और अंदर से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल साफ़ सुथरी मिल रही है, सीट्स वगैरह बिल्कुल साफ़ है, नीचे रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है इसके भी, और इसी को मैं आप लोगों को बैक साइड से भी जो है वो गाड़ी दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से भी देख लें, स्ट्रेट सीट जो है वो आप लोगों के सामने है लगी हुई है, बाकी अगर मैं बात करूँ बैक साइड की, साइडों के पिलर्स वगैरह की, तो देख लें यहाँ से आप लोगों को क्लियर जो है वो नज़र आ रहे होंगे, बाकी यहाँ के साइड के कब्जे वगैरह भी आप लोगों को दिखा दूँ तो ये भी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाते हैं। बस चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो ग्रे वाली हम लोग के पास अनरजिस्टर्ड गाड़ी मौजूद है 2016 की, वो भी एक नज़र जो है वो हम लोग देख लेते हैं, वो गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो ये तीनों गाड़ियों के जो है वो एक ही जो है ऑनर हैं, तो उनसे जब हम बात करेंगे तो अच्छे से डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मालूम करेंगे गाड़ी की। सो बात करें अभी फ़िलहाल इस वाली गाड़ी की, सो बात करें इसकी 2016 की, ये भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी है और पूरी जो है वो क्लियर है, साइड वाइड गाड़ी की जो है वो क्लियर मिल जाती है, बैक साइड से गाड़ी जो है वो क्लियर है। एक नज़र जो है गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी गाड़ी जो है वो क्लियर है, तो भाई दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है गाड़ी को, ताकि आप लोग अच्छे से देख लो, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही हो करे तो कमेंट्स वगैरह करके मुझसे जो है पूछते, अगर नहीं तो डायरेक्ट ऑनर के नंबर तो आप लोगों को मिल ही रहे होते हैं, तो ऑनर से भी डायरेक्ट आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह जो है वो गाड़ी की पूछ सकते हो। सो ओवरऑल ये गाड़ी भी जो है हम लोगों ने देख लिया, इसका इंटीरियर जो है वो रहता है, इंटीरियर मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ, इंटीरियर जो है वो गाड़ी का किस तरीके से मौजूद है।
सो बात करें इंटीरियर में, सबसे पहले दरवाजे वगैरह मैं आप लोगों को जो है वो गाड़ी के दिखा दूँ, तो दरवाजे वगैरह क्लियर मिल जाते हैं, डोर पैनल्स वगैरह गाड़ी के जो है वो क्लियर हैं। इसी तरीके से हम लोग अंदर आ जाते हैं तो अंदर से देखना आप लोग डैशबोर्ड वगैरह क्लियर है, LCD पैनल वगैरह गाड़ी पे लगा हुआ है। इसके अलावा नीचे जो है वो नॉर्मल शीट्स वगैरह जो है वो गाड़ी की लगी हुई जो आती हैं वहाँ से लगी हुई। बाकी इसके अलावा सीट्स भी साफ़ हैं गाड़ी की, यानी कि ओवरऑल गाड़ी ये भी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है। अंदर से बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सो बैक साइड पे वही नॉर्मली वाली स्ट्रेट जो सीट आती है, इसकी जो स्टॉक आती है वही आप लोगों को मिल जाती है। बाकी हम बात करें इंटीरियर की अंदर से, तो अंदर से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है, यानी कि ओवरऑल गाड़ी ये भी जो है वो क्लियर है। बाकी साइड के कब्जे वगैरह मैं आप लोगों को एक नज़र जो है वो दिखा देता हूँ, सो यहाँ से भी ये जो है वो क्लियर मिले। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं तीनों गाड़ियों का जो है मालूम करते हैं कि भाई कौन कौन सी गाड़ी के क्या रेट हैं। शाहनवाज खालिद भाई जिनकी ये तीनों गाड़ियाँ हैं, तो शाहनवाज भाई हमने गाड़ियाँ तो जो है वो तीनों दिखा दी हैं, ओवरऑल दिखा दी हैं। तो सबसे पहली गाड़ी की जो है हम लोग बात करेंगे वो है 2017 का मॉडल अनरजिस्टर्ड जो है गाड़ी है जेट। इसकी मुझे डिटेल्स हैं, कितना चली हुई है, क्या हिसाब किताब है। ये 4 ग्रेड की गाड़ी है, फुल ऑप्शन वाली है, 2 पावर विंडो है और 140,000 किलोमीटर चली हुई है। डिमांड जो है इसके 15,25,000 रुपये डिमांड है। ठीक है, तो पहले 2017 की जो है आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी हमने, उसके बाद आए थे हम 2016 जो हम लोग के पास मेटालिक ब्लैक कलर जो गाड़ी खड़ी है इसका मुझे बताएं। ये 2016 मॉडल है, ठीक है, 4 ग्रेड की गाड़ी है और इसके 15.5 लाख रुपए हैं और ये हाफ क्रूज है। हाफ क्रूज है, तो कितना बताया आपने इसके? 15 लाख 25 और ABS ब्रेक वाली। ठीक है, ABS वाली जो है ये। ठीक है, तो दो गाड़ियों की तो हमने डिटेल्स वगैरह मालूम कर ली। इसके अलावा एक हमारे पास ग्रे वाली जो हमने बिल्कुल लास्ट में दिखाई थी उसकी भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। वो 2016 मॉडल है, इसकी डिमांड है 14,50,000 रुपये, फुल ऑप्शन गाड़ी है, 2 पावर विंडो, ऑटोमेटिक गियर, सारी चीज़ें और अनरजिस्टर्ड हैं सारी गाड़ियाँ। ठीक है, उसके क्या बताया आपने लास्ट वाली के? 14.5 लाख रुपये। 14.5 लाख रुपये। ठीक है, तो तीनों गाड़ियों की जो है डिटेल्स वगैरह मैंने आप लोग अच्छे से जो है बता दी, सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने मालूम कर ली हैं। बाकी इसके अलावा ऑप्शन शीट वगैरह हर चीज़ जो है मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारी क्लियर करके देते हैं। ठीक है, अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा। 0312 ठीक है 9221663 ठीक है, तो ये जो है भाई का नंबर, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूमात जो है ले सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आसा था गाड़ी हम लोगों को मिल गई है 16 की एक और हाईजेट। और काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे भाई आफ्ताब भाई किधर गायब है, तो भाई अभी ये गाड़ी देख लो, आफ्ताब भाई आ चुके हैं। आफ्ताब भाई थोड़ा सा टूर पर गए हुए थे घूमने फिरने, तो अभी आफ्ताब भाई आ गए। आफ्ताब भाई की गाड़ी आप लोगों के सामने मौजूद है, गाड़ी ये भी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिल जाती है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, साइड वाइड क्लियर है। बाकी आफ्ताब भाई अच्छे से वो डील कर देते हैं, सारी चीज़ें वगैरह जो है बता देते हैं, जब उनसे बात करेंगे तो और अच्छे से डिटेल्स वगैरह जो है सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे। तो फिलहाल गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों साइड से आप लोगों को जो है वो क्लियर मिल रही है, टायर्स वगैरह जो है वो आप लोगों को अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं। बाकी हम बात करें इसकी, तो चलते चल के एक ना तो जो है गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लेते हैं, फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिल जाती है। तो फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है, इसमें कोई डेंट वगैरह या कोई स्क्रैचेस वगैरह आप लोगों को नहीं मिलते। यानी कि जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी नई नई गाड़ियाँ होती हैं, इसमें ज़्यादा कोई काम वाम होता नहीं है भाई, ये कि फिर भी मेरा कोशिश ये होती है कि भाई इस तरीके से आप लोगों को दिखा दूँ कि कुछ काम हो तो वो चीज़ें जो है वो पता चल जाए। तो इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर में सबसे पहले मैं आप लोगों को गेट्स वगैरह जो है वो गाड़ी के दिखा देता हूँ, गेट्स वगैरह आप लोगों को क्लियर मिल जाते हैं। अंदर आ जाते हैं हम लोग, अंदर की बात करें तो आप लोगों को डैशबोर्ड वगैरह गाड़ी का क्लियर मिल जाता है। इसके अलावा LCD पैनल वगैरह गाड़ी के अंदर जो है लगा हुआ है, नीचे रबर मैटिंग वगैरह हुई है, सीट्स वगैरह जो है वो आप लोगों को साफ़ सुथरी मिल जाती हैं। इसी तरीके से मैं बैक साइड आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ गाड़ी की। तो बैक साइड पर अगर बात करूँ तो स्टॉक वाली जो स्ट्रेट सीट होती है वही आप लोगों को जो है मिल जाती है, पीछे रबर मैट जो है वो गाड़ी के अंदर डले हुए हैं, साइड वाइड जो है वो गाड़ी के क्लियर हैं। बाकी अगर अंदर पिलर्स वगैरह की बात करें तो पिलर्स वगैरह जो है वो गाड़ी के क्लियर हैं। तो ओवरऑल गाड़ी जो है हम लोगों ने देख ली है, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है दिखा दी हैं। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड है। मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब भाई, तो भाई काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे आफ्ताब भाई किधर हैं, तो भाई ये रहे आफ्ताब कोटा गए थे भाई, आफ्ताब वापस आ गए और 5-6 गाड़ियाँ लेकर आए हैं, साथ इंशाल्लाह अच्छी गाड़ी क्लियर हुई है पोर्ट से। अच्छा ये बता दें आप वहाँ से नहीं लाए, कोटा नहीं, पोर्ट की गाड़ी है, कोटा में भाई कोटा में गाड़ी नहीं मिलती, ये तमाम बातें हैं सिर्फ ये लोगों की बातें, कोई गाड़ी मिलती कोटा में, कौन सी गाड़ी मिलती कोटा में हसन भाई यार? सही बात है, नहीं वो एक मैं ना मैं काम करता हूँ अनरजिस्टर्ड का भाई, कराची पोर्ट से गाड़ी क्लियर होती है, मैं वो बेचता हूँ अनरजिस्टर्ड, अभी से नहीं बेचता, मैं 15 साल से बेच रहा हूँ। सही, अभी बड़ी अच्छी गाड़ी लेकर आया हूँ इंशाल्लाह, 2016 है, 2021 है, जो मैं आप लोगों को बताया था कि ABS ब्रेक वाली गाड़ी आती है हाईजेट में वो आ गई है। ये ABS ब्रेक है, इसमें EPS स्टेयरिंग है, 4-व्हील ड्राइव है और 3 गियर की गाड़ी है, गाड़ी बहुत साफ़ है, गाड़ी आपको एसेंशियल दिखा दी है और जो भी बाकी बातें आपको एसेंशियल बता देगा। ठीक है, गाड़ी की डिमांड है 1495, मेरा नंबर आपको मालूम है, फिर एड कर लें 0302-2357-349 आफ्ताब मेमन। ठीक है, तो ये आफ्ताब भाई ने पूरी डिटेल्स वगैरह गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें बता दी, बाकी वीडियो में तो आप लोगों ने इसमें फ्रंट कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी है, बैक कैमरा भी है, गाड़ी में काफ़ी चीज़ ऑप्शन है, ABS है, ABS बहुत कम आता है हाईजेट में, 18 में मिलेगा आपको, हाफ कोर्स में मिलेगा।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी, तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐड करते रहें। शुक्रिया ओके। तो भैया हमारे 660 सीसी वाले जितने लोग थे उनके लिए जो है वो अच्छी थी, मैंने दो गाड़ियाँ जो है वो ढूंढ ली अंकल की जो है ये गाड़ियाँ हैं। तो जितने लोग बोल रहे थे कि भाई अंकल की गाड़ियाँ जो है वो आप लोग नहीं दिखा रहे, तो अभी ये देख लो, एक 13-16 का 13-12 है या 13-16 है इसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं यानी कि 13 का ये मॉडल है। बाकी इसके बराबर में एक 16 की जो है वो आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है। तो दोनों गाड़ियाँ जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी जब अंकल से हम लोग इंटरव्यू करेंगे तो और अच्छे से डिटेल्स वगैरह में जो है वो सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे, क्या हिसाब किताब है गाड़ियों का। फिलहाल अगर इस गाड़ी की बात करूँ तो देख लें, फ्रंट पे आप लोगों को गार्ड वगैरह लगा मिल जाता है, अलायरेंस वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। बाकी अगर साइड वाइडों की बात करूँ तो साइड वगैरह गाड़ी की जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिल जाती हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ी जो है ये भी आप लोगों को क्लियर मिल रही है। हल्का सा आप लोगों को एक डेंट यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। चलते हैं चल के इसको एक नज़र जो है वो बैक साइड से देखते हैं, बैक साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से। सो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती है, देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई डेंट वगैरह कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिख रहे होंगे। एक हल्का सा यहाँ पर जो है वो कॉर्नर से दिख रहा होगा, तो अच्छा थोड़ा सा साउंड की वजह से जो है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, पीछे से जो है वो साउंड काफ़ी तेज़ आ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी राइट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो आप लोगों को गाड़ी की बिल्कुल क्लियर मिल जाती है। तो ये वाली गाड़ी जो है हम लोगों ने ओवरऑल देख ली, इसका इंटीरियर वगैरह देखते हैं इंटीरियर किस तरीके से मौजूद है। सो इंटीरियर वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो देखना दरवाजे वगैरह हर चीज़ जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है। इसके अलावा जो है वो पूरा अंदर के जो पैनल्स वगैरह हैं, डोर पैनल्स वगैरह, वो सारे आप लोगों को क्लियर मिल जाते हैं। बाकी हम लोग अंदर आ जाते हैं, डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं। सो डैशबोर्ड वगैरह भी गाड़ी का जो है वो क्लियर आप लोगों को पूरा मिल जाता है। नीचे जो है रबर मैटिंग वगैरह हुई हुई है, गाड़ी पे कवर्स वगैरह जो है वो अच्छे से मेंटेन चढ़े हुए हैं, यानी कि ओवरऑल गाड़ी यहाँ से भी क्लियर है। बाकी हम बात करें अगर बैक साइड की, तो बैक साइड पे भी जो है वो आप लोगों को एक्स्ट्रा सीट्स वगैरह जो है मिल जाती हैं, यानी कि दोनों जो है सोफा सीट पीछे लगी हुई हैं, बैक साइड पे भी इसकी जो सीट लगी हुई है और इसी तरीके से फ्रंट पे भी लगी हुई हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी आप लोगों को जो है इंक्लूडेड मिल जाती हैं। तो ये वाली गाड़ी तो हम लोगों ने देखनी है, अब देख लेते हैं 16 का जो मॉडल। सो बात करते हैं अब 16 वाली की, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू मैं एक साथ ही कर लूँगा, अंकल से ही मालूम कर लेंगे सारी चीज़ें। सो ये 16 का मॉडल हम लोग के पास मौजूद है, न्यू फ्रेश क्लियर है, यानी कि अभी ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। टायर्स वगैरह आप लोग अच्छी कंडीशन में जाते हैं, नॉर्मली व्हील कैप्स वगैरह गाड़ी पे जो लगे हुए हैं। बाकी फ्रंट साइड से तो आप लोगों को गाड़ी जो है वो बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। अच्छा इसकी जो है वो जो सीट होती है वो भी जो है आप लोगों को सामने, ऑप्शन सीट जो होती है वो भी जो है वो आप लोगों को सामने दिख रही होगी। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो है वो गाड़ी पूरी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती है, कोई स्क्रैचेस वगैरह कोई डेंट्स वगैरह जो है गाड़ी के ऊपर मौजूद नहीं है। बैक साइड से मैं आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, बैक साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से मौजूद है। तो बाकी अगर मैं बात करूं बैक साइड की, तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल रही है, यानी कि कोई स्क्रैचेस वगैरह या कोई डेंट्स वगैरह जो है इसके ऊपर आप लोगों को नहीं मिलते, यानी कि गाड़ी जो है ये भी बिल्कुल क्लियर है। बस चलते हैं अभी जो अंकल हैं, अंकल से जो कि मालूम कर, तो चलते हैं चल के एक नज़र जो है गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं, इंटीरियर जो है वो गाड़ी का आप लोगों को किस तरीके से मिल जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं फ्रंट साइड से जो हम दरवाजे वगैरह चेक कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो फ्रंट साइड से गाड़ी जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर मिल रही है। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डोर पैनल्स वगैरह की, तो डोर पैनल्स वगैरह भी गाड़ी के जो है वो क्लियर हैं। अंदर आ जाते हैं, अंदर से डैशबोर्ड वगैरह देख लेते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह भी आप लोगों को जो है वो गाड़ी का क्लियर मिल जाता है। सीट्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स वगैरह भी गाड़ी की जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, फ्रेश हैं। इस पर जो है वो प्लास्टिक शीट्स वगैरह जो है वो चढ़ी हुई है ताकि जो है वो ख़राब ना हो। बाकी नीचे रबर मैटिंग वगैरह आप लोगों को मिल जाती है। इसी तरीके से मैं बैक साइड से आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। तो बैक साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोगों को क्लियर मिल जाती है ओवरऑल, यानी कि यहाँ पर भी कोई स्क्रैचेस वगैरह डेंट्स वगैरह कुछ इस तरीके से नहीं, साफ सुथरा जो है वो अंदर से रखा हुआ है। पर चलते हैं अभी अंकल से इनके बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड है। मेरे साथ मौजूद हैं अंकल, अंकल की दोनों गाड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को जो है दिखा दी। तो भाई काफ़ी सारे लोग जो पूछ रहे थे भाई अंकल की गाड़ियाँ कहाँ हैं, तो भाई गाड़ियाँ आप लोगों ने देख ली हैं, बाकी अंकल थोड़ी डिटेल्स वगैरह देंगे हमें गाड़ियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये गाड़ी 2016 का फ्रेश क्लियर गाड़ी है और 3 कैरेट की गाड़ी है और बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है और इसमें 1 रुपये का काम नहीं है। एसी वगैरह टायर वगैरह सब चीज़ बहुत ओके है, गाड़ी समझ ले के कहीं से डेंट वगैरह कहीं से कलम तक का नहीं लगा हुआ। और इसकी हमने डिमांड रखी हुई है 13,75,000 रुपये, हमने 20-25,000 रुपये और कम कर दिए क्योंकि काम का आजकल आज है नहीं, इसी वजह से पहले हम मांग रहे थे 14,90,000 मांग रहे थे, अब हमने इसकी डिमांड रखी है 14,75,000 रुपये। ठीक है, यानी कि अभी थोड़े बहुत जो है वो कम हुए हैं रेट इसके, हमने किए कम, किसी कम नहीं है वही, इसलिए कि आगे हमारे माल बहुत खड़े हुए हैं, उसको हमने निकाले क्लियर करने हैं, उसको भी बेचने हैं माल को। ठीक है, तो ये वक्ती तौर के ये ऊपर जाएंगे अभी दिसंबर के बाद, ये 1500-1550 की जाएगी रेंज। 16 का मॉडल आना बंद हो जाएगा, 17 का होगा, नाम वही होगा, 1550 की गाड़ी वो आएगी, 16 की आएगी 17 का मॉडल की जो गाड़ियाँ हैं। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल जो है तो थोड़े से कम है रेट, लेकिन ये कि आने वाले दिनों में जो है वो बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएंगे। ठीक है अंकल, ये तो आपने पहली गाड़ी का जो बता दिया, इसके अलावा हमारी जो दूसरी वाली जो गाड़ी है, दूसरी गाड़ी हमारी ये कामरान भाई की यही है, ये हमारे साथ ही है हमारे, ये कामरान हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से। तो ये 13-18 का मॉडल है, ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है और बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है, पीछे झिग्गी पे थोड़ा सा निशान है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें जंगला वगैरह लगा हुआ है, अलार्म व्हील वगैरह गाड़ी है, पीछे एक्स्ट्रा सीट है, ऊपर जंगला लगा हुआ है और आगे बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, अपना इंजन है। इसकी डिमांड हमने रखी है 11,00,000 रुपये, मगर ये है कि अगर आप आएंगे 5-10,000 रुपये गुंजाइश में हो जाएगी।
सो दोनों गाड़ियों की डिटेल्स वगैरह अंकल ने अच्छे से जो बता दिए, बाकी एक अंकल अपना नंबर भी शेयर करेंगे। 0312070195 मोहम्मद मंसूर। ठीक है, तो अभी जल्दी से आगे बढ़ते, कुछ करते हैं साथ साथ गाड़ियाँ जो वाइट करते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो भाई जितने भी 660 सीसी वाले लोग थे तो भाई उनके लिए ये वीडियो थी, बाकी एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इस तरीके से जो हम लोग और वीडियो जो है मजीद बनाते रहेंगे। तो बाकी जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो नहीं देखी थी, पूरी वीडियो में होता ये कि वो एक घंटे से ऊपर की जो वीडियो होती है उसमें मिक्स गाड़ियाँ जो है वो चल रही होती हैं। इसी वजह से मैं ये करता हूँ कि भाई जो 660 सीसी हम लोगों के पास 6-7-5 गाड़ियाँ होती हैं वो सेपरेट करके अलग कर देता हूँ। उसके अलावा ऐसे ही मेहरान अगर ज़्यादा होती हैं 5-6-7 होती हैं तो उनको सेपरेट करके अलग कर देता हूँ। ये वीडियो मैं इस वजह से जो है बनाता हूँ ताकि जो लोग ज़्यादा लंबी वीडियो ना देखना चाहें उनको जो है वो सेपरेट ही एक वीडियो जो है वो मिल जाए। सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो है वो वीडियोस हम लोग सेपरेट करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते भाई लाइक कर दिया करें, बाकी कमेंट करके बता दिया करें किसको जो है वो कौन सा मॉडल चाहिए।